Hello guys, मैं हूं जय देसाई, a chartered accountant and a content creator, and today I'm on Navi's YouTube channel. This is the third part of our series on stock market investing for beginners. Over the course of these videos, हम बहुत सारी चीजें कवर करेंगे about the stock market in detail, ताकि आपके stock market related doubts clear हो जाए. So hit the like button below and also subscribe to Navi because here you get to learn finance in simple ways. पार्ट वन में हमने कुछ बेसिक चीजें डिस्कस की थी, जैसे शेयर्स और स्टॉक एक्सचेंजेस क्या होते हैं, एक कंपनी अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कैसे करती है और आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड या इन्वेस्ट करना स्टार्ट कैसे कर सकते हो। पार्ट टू में हमने डिस्कस किया था कि प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, शेयर की प्राइस डिटरमाइन कैसे होती है और उससे डिटरमाइन करता कौन है, और फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। तो अगर आपने पार्ट वन और टू नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। अब आते हैं आज के वीडियो में। ये वीडियो में हम दो चीजें डिस्कस करेंगे, नंबर वन हाउ टू पिक स्टॉक्स एंड नंबर टू टैक्सेस इन द स्टॉक मार्केट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इन्वेस्ट करने के लिए एक स्टॉक को सिलेक्ट कैसे किया जाता है। जब आप इन्वेस्ट करना शुरू करते हो तो आपका गोल होना चाहिए टू फाइंड अ बिजनेस दैट हैज स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स विथ अ स्टॉक दैट हैज गुड वैल्यू, स्पेशली जब आप उस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने वाले हो। बट ये आप करोगे कैसे, तो इसके लिए हम एक 4-स्टेप प्रोसेस देखेंगे जो आपको हेल्प कर सकता है टू आइडेंटिफाई वेदर अ स्टॉक शुड बी सिलेक्टेड और नॉट। स्टेप वन, डिटरमाइन योर इन्वेस्टिंग गोल्स। हर इन्वेस्टर का अपने इन्वेस्टमेंट के साथ डिफरेंट गोल होता है। यंग इन्वेस्टर को शायद ये चाहिए होता है कि उनका पोर्टफोलियो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जितना बढ़ सके उतना ज्यादा बढ़े, क्योंकि दे हैव मोर टाइम टू स्टे इन्वेस्टेड। ओल्डर इन्वेस्टर्स का मेन गोल होता है कैपिटल प्रिजर्वेशन, क्योंकि दे आर नियर द रिटायरमेंट एज। और कुछ इन्वेस्टर्स का गोल हो सकता है उनके इन्वेस्टमेंट से रेगुलर इनकम जनरेट होती रहे, लाइक इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स और इंटरेस्ट। आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि आपके इन्वेस्टमेंट्स को लेकर आपका क्या गोल है, क्योंकि आपके गोल्स ही ये डिटरमाइन करेंगे कि आप कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट करोगे। जैसे कि जो इन्वेस्टर्स को रेगुलर इनकम चाहिए, दे मे लुक फॉर स्टॉक्स विद गुड डिविडेंड यील्ड्स एंड अर्निंग्स टू सपोर्ट दोज डिविडेंड्स। जो इन्वेस्टर्स का गोल ग्रोथ है, दे मे लुक फॉर यंगर कंपनीज विच आर शोइंग प्रॉमिसिंग रेवेन्यू ग्रोथ बट अर्निंग्स दैट मे नॉट बी एज स्टेबल। जो इन्वेस्टर्स कैपिटल प्रिजर्वेशन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, दे मे लुक फॉर लार्ज कंपनीज जो कई सालों से बिजनेस करते आ रही है एंड विच आर प्रोवाइडिंग स्टेडी एंड प्रेडिक्टेबल प्रॉफिट्स। स्टेप टू, फाइंड कंपनीज दैट यू अंडरस्टैंड। जब आप एक स्टॉक खरीदते हो, आप उस बिजनेस के पार्शियल ओनर बन जाते हो, इसीलिए आपको जो बिजनेस समझ नहीं आ रहा उसमें इन्वेस्ट करना एक खराब आइडिया हो सकता है। हम अच्छी और इन्वेस्टेबल कंपनीज हर जगह ढूंढ सकते हैं। डेली हम कई सारी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज यूज करते हैं, सो टेक अ मोमेंट टू कंसिडर द कंपनीज बिहाइंड दिस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। आप ऐसी कंपनीज भी कंसिडर कर सकते हो जो आपको इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करती हो। कई सारे बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो हम जैसे कंज्यूमर्स के साथ डायरेक्टली डील नहीं करते, पर इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जब आप मॉल में अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके जिस पीओएस मशीन के थ्रू पेमेंट करते हो, वो मशीन कौन बनाता है? जब आप कोई फार्मेसी शॉप से मेडिसिन खरीदते हो, वो मेडिसिन कौन बनाता है? वो मेडिसिन को बनाते वक्त जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, वो इक्विपमेंट्स कौन बनाता है? आप ऐसे सवालों से अपना रिसर्च स्टार्ट कर सकते हो टू फाइंड वेरियस सेक्टर्स एंड टॉप कंपनीज इन एवरी इंडस्ट्री। बट एक चीज हमेशा याद रखना, जो कंपनी का बिजनेस आपको समझ में ना आ रहा हो तो उस पर ज्यादा रिसर्च करो या फिर वो कंपनी में इन्वेस्ट मत करो। स्टेप थ्री, डिटरमाइन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब जब आप कई सारी कंपनीज को अपने रिसर्च लिस्ट में ऐड कर चुके होंगे, अब टाइम आता है इन कंपनीज में से इन्वेस्टेबल कंपनीज को शॉर्टलिस्ट करने का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये स्टेप पर होती है, सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जिसे वॉरेन बफेट मोट भी कहते हैं। एक कंपनी के लिए मोट या उसकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कई सारी चीजें हो सकती है, जैसे स्केल, स्विचिंग कॉस्ट, यूनिक ब्रांड्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, नेटवर्क इफेक्ट एटसेट्रा। कोई भी ऐसी चीज जो एक कंपनी को उसके कंपटीटर कंपनीज के ऊपर एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे, उसे मोट कहा जाता है। तो ऐसी चीजें आपको अपनी रिसर्च में जरूर इंक्लूड करनी चाहिए। स्टेप फोर, डिटरमाइन अ फेयर प्राइस फॉर द स्टॉक। एक बार आपने स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट कर दिया, अब टाइम आता है उनकी प्राइसेस देखने का। स्टॉक की करंट प्राइस रीजनेबल है या नहीं, वो डिसाइड करने के कई सारे तरीके हैं। चलो ऐसे दो तरीके डिस्कस करते हैं। नंबर वन, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, जिसे हम पीई रेशियो भी कहते हैं। जब आप किसी कंपनी के स्टॉक की करंट प्राइस को उसके ईपीएस से डिवाइड कर देते हो तो आपको पीई रेशियो मिल जाता है। EPS मतलब अर्निंग्स पर शेयर जो मिलता है अर्निंग्स को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करने पर। करंटली अगर स्टॉक अपने हिस्टोरिकल एवरेज पीई से कम पर ट्रेड कर रहा है तो इट माइट बी अ गुड इन्वेस्टमेंट। अगर कोई कंपनी के स्टॉक का पीई अपने सेक्टर की बाकी कंपनीज के पीई रेशियो से कम है तो ऐसा कहा जाता है कि ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है। नंबर 2, डिविडेंड डील। डिविडेंड डील की फॉर्मूला है डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय करंट शेयर प्राइस। अगर किसी स्टॉक का डिविडेंड डील अबव एवरेज है तो इसका मतलब हो सकता है कि इट इज ट्रेडिंग एट अ गुड प्राइस। हावेवर ये याद रखना जरूरी है कि समटाइम्स डिविडेंड्स अनस्टेबल होते हैं। आपको डिविडेंड डील्ड के साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि कंपनी की अर्निंग्स और कैश फ्लोज सस्टेनेबल है या नहीं। अब आते हैं वीडियो के लास्ट पार्ट पर। टैक्सेस इन द स्टॉक मार्केट। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि स्टॉक मार्केट के गेन्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड। नंबर 1 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड नंबर 2 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। पहले बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की। अगर आपने कोई स्टॉक को एक दिन से ज्यादा और एक साल से कम होल्ड करके सेल कर दिया एंड इस पर आपको गेन हुआ तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स भरना होगा। टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स फॉर इक्विटी एंड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स इज 15% ऑफ द गेन्स। बट याद रखिए ये 15% तभी होगा अगर द ट्रांजैक्शंस आर एग्जीक्यूटेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस जहां आपने STT यानी कि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स पे कर दिया है। फॉर नॉन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स एंड डेट फंड्स इफ यू स्टे इन्वेस्टेड फॉर लेस देन 3 years तब भी इसे शॉर्ट टर्म कंसिडर किया जाएगा एंड हेंस Such gains fall into the short term capital gains category. आपका short term capital gain आपके rest of the income में add हो जाता है and so short term capital gain पर भी आपको अपने income tax slab के हिसाब से tax pay करना होता है। अब बात करते हैं long term capital gains की। अगर आपने कोई stock को एक साल से ज्यादा hold करने के बाद sell किया तो ऐसा ट्रांजैक्शन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के कैटेगरी में आता है। फॉर इक्विटी एंड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज 0 rupees अप टू 1 lakh rupees इन गेन्स और 1 lakh से ऊपर के गेन पर आपको 10% टैक्स देना होगा। वेयर एज नॉन इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स या फिर डेट म्यूचुअल फंड्स के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स इज फ्लैट एट 20% ऑन द गेन्स विद इंडेक्सेशन बेनिफिट। अब देखते हैं टैक्सेशन ऑन इंट्राडे प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आप एक ही ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक को बाय एंड सेल कर देते हो ऐसे ट्रांजैक्शन को इंट्राडे ट्रांजैक्शंस कहा जाता है। इंट्राडे गेन्स को आपके बिजनेस इनकम की तरह ट्रीट किया जाता है एंड हेंस आपकी एनुअल इनकम में ऐड हो जाता है और इस पर टैक्स भी आपको इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से ही लगता है। तो ये वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन ये वीडियो को लाइक शेयर और नावी को सब्सक्राइब करना ना भूले बिकॉज हियर You get to learn finance in simple ways. मेरा नाम है जय देसाई and I will see you in the next video. Thank you for watching.